नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। गुरुकुल की छत गिरने से दर्दनाक हादसा, दो छात्र समेत 5 लोग दबे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर सभी को मलबे से बाहर निकाला। हादसे में 15 वर्षीय छात्र चंदन की मौत, 5 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। मृतक बच्चा झारखंड का रहने वाला था और गुरुकुल में रहकर दीक्षा ग्रहण कर रहा था। डॉक्टरों ने सभी घायलों को हायर मेडिकल सेंटर किया रेफर। फिलहाल सभी घायलों की हालत स्थिर। कच्ची मिट्टी से चिनाई करके बनाया गया था गुरुकुल विद्यालय, पूरी तरह से ध्वस्त हुआ गुरुकुल विद्यालय। इस्कॉन टेंपल से जुड़ी हुई बैकुंठ संस्था चला रही थी गुरुकुल। नेताय स्कूल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बीती शाम ग्रामीण गुरुकुल में रामायण का पाठ सुनने के लिए आए हुए थे शामिल। अचानक आंधी आने से गुरुकुल की दीवारें रामायण सुन रहे वैद्य पाठियों और ग्रामीणों के ऊपर गिरी। घटनास्थल पर मौका मुआयना करने पहुंचे CO खुर्जा और SDM खुर्जा। बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गोविला गांव में स्थित गुरुकुल में हुआ हादसा। सर क्या नाम है आपका? सर रोहित परमार। यहीं के निवासी हैं आप? हाँ, गोविला गांव से ही निवासी हूँ। क्या हादसा हुआ था यहाँ? हादसा यहाँ पे तूफान आया था काफी तगड़ा, और हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जितना तगड़ा यहाँ पे तूफान आया था। और यहाँ पे कीर्तन चल रहा था, 18-20 बच्चे थे गुरुकुल के, जिनको यहाँ पे कीर्तन और योग के लिए लाया जाता था, बाकी गाँव में रखा जाता था, क्योंकि अभी यहाँ निर्माण चल रहा था, अभी निर्माण संपूर्ण नहीं हुआ था। तो 6 लोगों के चोटें आई, घायल हुए थे, जिसमें से एक लड़का गुरुकुल का जो है, जिसकी मृत्यु हो गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जीटीवी न्यूज़।